उससे पहले अगर ये मुल्क है तो हम हैं, और इस मुल्क को बचाने के लिए जरूरी है कि हम इमरान खान का साथ दें, जो आपके इदारों की, आपके मुल्क की जंग लड़ रहा है। मैं अपनी पार्टी के कायदीन को भी कहता हूं कि आप जलसे जुलूसों से निकलें, रैलियों से निकलें, अमली कुर्बानी दें। तकरीरों से नहीं होता काम, ट्वीट से काम नहीं होता। जिस दलेर ने 4 गोलियां अपने जिस्म के ऊपर खाकर मुल्क के लिए खड़ा है, उसके लिए मेरी पूरी पीटीआई की क़यादत से मैं कहता हूं कि अब अमली तौर पर आपने और मैंने कुर्बानी देनी होगी इंशाल्लाह ताला। मेरे मुल्क के वासियों, आज इदारे इसलिए खत्म किए गए हैं कि चंद अशखास की हुकूमत है, जो कुछ वो कहते हैं वही कुछ होता है। बाजवा साहब, मैं तो जेल में था, मैंने सुना कि कोई वीडियो निकली है। मैं बहसियत मुसलमान के पाकिस्तानी शहरी के मजम्मत करता हूं, सारे मीडिया के दरेल लोगों को कहता हूं कि मजम्मत करें, इसलिए कि वीडियो बनाने वाले, वीडियो नशर करने वाले ये मुजरम हैं कौम और मुल्क के, आपकी अखलाकियात के, आपके दीन के मुजरम हैं। लोगों को ब्लैकमेल करने वालों, रुक जाओ इस काम से, इसलिए कि तुम्हारी भी कोई माँ बहन बेटी तुम्हारे अपने इज्जत के घर पे बैठी हुई, अगर तुम बगैरत हो, लेकिन तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी मेरी कौम की इज्जत है। इसलिए लोगों को जेली फाइलों के ऊपर और वीडियो के ऊपर ब्लैकमेल करना छोड़ दें। हाँ जनरल बाजवा, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा खुदा के फजल से। तुमने मेरे मुल्क के एसेट का हिसाब किताब देना है, तुमने और तुम्हारे खानदान ने। ये मेरा फर्ज है शहरी की हैसियत से और सेनेटर की हैसियत से कि मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारे खानदान वालों से पूछूं। तुम्हें हक है कि मुझसे पूछो, मेरे खानदान से पूछो कि हमारे एसेट कहां से लाए हैं। इसलिए कि 11,000 अरब मेरे इस गरीब मुल्क का, गरीबों का आटा आज 150 रुपए किलो है। 11,000 अरब जिन्होंने लूटा रजीम चेंज के सहूलतकारों,